सर। कुछ पता चला? सर ये पब के मैनेजर है। सर मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर हर रोज रात को इतने लोग आते हैं कि किसी को याद रखना नामुमकिन है। मिस्टर मैनेजर, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे होते तो ये बिल्कुल मुमकिन होता है ना? सॉरी सर, अगर कैमरा लगाएंगे तो फिर पब्लिक यहाँ आएगी नहीं। ये बार ए ग्रेड रेस्टोरेंट का बोर्ड फिर क्यों लगाया हुआ है? अब सॉरी सर। तुम वो आदमी और भाविक उस दिन कौन सी टेबल पे बैठे थे? सर सर उस टेबल पे बैठे थे सर। आइए। उस दिन कौन कहाँ बैठा था याद है? हाँ सर, मैं वहां बैठा था और भाविक वहां, और वो आदमी यहाँ पे बैठा था सर। श्योर? बिल्कुल सर, वो यहीं पे बैठा था। विकास सर, फोरेंसिक टीम को बुलवाओ, इस टेबल से हमें फिंगरप्रिंट्स उठाने। सर फिंगरप्रिंट्स? सर यहाँ के वेटर्स हर 5 मिनट पे टेबल को साफ करते होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विकास, यहाँ के वेटर्स ने टेबल को ऊपर से जरूर साफ किया होगा, लेकिन यहाँ नीचे से नहीं। ये देखो विकास, कातिल ने यहाँ उठते बैठते टेबल को नीचे से कई बार छुआ होगा। हाँ सर, लेकिन सर यहाँ पर कातिल के अलावा और भी कस्टमर्स तो आए होंगे, हो सकता है उनमें से किसी ने टेबल के निचले हिस्से को छुआ हो। विकास, घास के ढेर में से सुई ढूंढने का दूसरा नाम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं? राइट सर, मैं फॉरेंसिक टीम को फोन करता हूँ। सर यहाँ कई अलग अलग लोगों के निशान है। सारे उठा लो ऑफिसर, इनमें से एक हमारे काम का है। लेकिन सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिंगरप्रिंट कातिल का है? विकास, जिस आदमी ने भाविक का कत्ल किया है उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी उससे। हाँ सर, हम तो पहली बार मिले थे उस आदमी को। पहली बार मिले थे? यकीनन कोई पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर है। राइट सर, इस शहर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उन सब की उंगलियों के निशान हमारे डेटाबेस में हैं। एक भी निशान मैच कर गया विकास, समझ लो कि हमने किलर को पकड़ लिया। कुशल का फोन है। हाँ कुशल बोलो, कहाँ पे है ये ऑफिस? सिटी तलाव। और इस औरत का नाम क्या है? शुभ्रा। शुभ्रा, काफी जाना पहचाना सा नाम है। आता कि आप वही नीला मासी है जिसमें मैं अपनी मां को देखती थी। नीला मेरा घर और मेरी बिजनेस दोनों ही ईमानदारी और भरोसे पर चलते हैं, लेकिन अब तुम्हारी इन दोनों ही जगहों में कोई जगह नहीं। तुम्हें जाना होगा बिजनेस से और इस घर से भी।
यश सब ठीक है ना? तुमने शिखा को समझा दिया ना? मैं घर चल सकती हूँ? तुम चुप क्यों हो यश? तुम कैसी हो नीला? मैं कैसी हूँ? तुम ये सवाल कैसे पूछ सकते हो मुझसे? मैं यहाँ कैसे हो सकती हूँ? तुम तुम्हारे ही खेल में हार गई नीला, फिर भी मैं तुमसे पूछने आया हूँ। खेल तो सारा तुम्हारा रचा हुआ है यश, मैंने हर चाल तुम्हारे इशारे पर चली है, हर कदम तुम्हारे हुक्म पर उठाया है। लेकिन फिसल कर गिर गई। मैंने तुम्हें संभाला लेकिन तुम बार बार फिसलती गई। आखिर कब तक नीला, कब तक मैं शिखा से तुम्हारी सच्चाइयां छुपाता? मैंने भी तुम्हारी सच्चाई छुपाई है, उसे कभी भनक तक नहीं पड़ने दी मैंने कि उसके डैड दूध में धुले नहीं है बल्कि उनके भी कई गड़े मुर्दे हैं। और शिखा ये कभी जानेगी भी नहीं, क्योंकि मैं फिसलूंगा नहीं। मैं ये खेल कभी हार नहीं सकता नीला, क्योंकि ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा नीला। तुम्हारी बेटी आदर्शों की दुनिया में रहती है, तुम उसे असलियत दिखाने के बजाय मुझे शहर छोड़ने के लिए कह रहे हो? मुझे? शिखा की दुनिया को बरकरार रखने के लिए जो जरूरी है मैं वही करूंगा। मैं बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं हूं यश। नीला, फिलहाल मैंने तुम्हें सिर्फ ये शहर छोड़ने को कहा है, दुनिया से जाने के लिए नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा यश, आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम आज मेरी जान लेने की बात कर रहे हो? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं कुछ... आप एसीपी जयराज से मिली थी या नहीं? हाँ या ना? देखो इंस्पेक्टर गौतम, मैं चाहूँ तो इसी वक्त अभी के अभी पुलिस कमिश्नर या इस शहर के सबसे बड़े लॉयर को फोन कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि आप एसीपी जयराज के बेटे हैं। एसीपी जयराज आपके लिए इतना मायने क्यों रखते हैं? इस शहर के हर ताकतवर इंसान को मैं जानती हूँ, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो सबकी ताकत जोड़ सकती हूँ, सबका फायदा करती हूँ। एसीपी जयराज के लिए क्या फायदा कर रही थी आप? नो कमेंट्स। राधिका मर्डर केस के सबूत जला दिए गए, क्या जानती हैं आप इस बारे में, क्या छुपा रही? No comments. चोपड़ा जी, लॉकअप में कमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबूत कहाँ है? सबूत पेश कीजिए। फिलहाल इंस्पेक्टर गौतम, आप खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाना पड़ेगा आपको। इस वक्त मेरे हाथ में सबूत नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सबूत है ही नहीं। देखती रहिएगा शुभ्रा जी, आसमान से टपकेगा सबूत और आप जमीन पर उतर जाएंगे। फिर इंस्पेक्टर गौतम भले ही अपने साथ कुछ ना लाए हूं, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आई हूं शुभ्रा। चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। जर्नलिस्ट हूँ, अच्छी खबर के लिए जान दे सकती हूँ, और सबूतों से जान ले सकती हूँ। इस तस्वीर में तुम हो, एसीपी जयराज है, और बहुत ढेर सारा पैसा है। कहो तो इसकी एक कॉपी इंस्पेक्टर गौतम को भिजवा दूँ। क्या चाहते हो? दोस्ती, एक टॉप न्यूज चैनल और एक टॉप की पीआर एजेंसी के बीच, तुम और मैं। अगर तुम और मैं हाथ मिला लेना तो अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला सकते हैं शुभ्रा। ओके, आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू।
विकास, क्या कहते रिपोर्ट्स? सर, उस दिन जो पब से हमें फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर की डेटाबेस के एक आदमी से मैच कर गए। यस, अब आएगा मजा। और उसकी उम्र क्या है? वही सर, करीब 30-32 साल। लेकिन वो दिखने में कैसा है? उसके पड़ोसी ने बताया था कि वो ठीक ठाक सा दिखता। ये रही सर उसकी फोटोग्राफ। इसका नाम अशोक है। अशोक। विकास, अगर इसके पड़ोसी ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारी अंधेरे में चलाई हुई गोली निशाने पे लग जाएगी। जी सर, आपने बुलाया? इसे पहचानते हो? जी सर, ये वही आदमी है सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। किस सर? विकास, आदित्य, फौरन गौतम और उसकी टीम को फोन करो और उनसे कहो कि हम इस अशोक को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। चारों तरफ से घेरना होगा, सबको पोजीशन पे लेते। पूजा, आदित्य, मैं कुशल, पोजीशन वहां पे। विकास, तुम यही नजर रखना।